हेलो गाइज, आप सूर्य, स्वागत है आपके अपने चैनल डवास राइडर पर। और भाई आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी बाइक को पार्सल कैसे कर सकते हैं। तो भाई जो पार्सल का प्रोसेस है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और भाई हम अपनी जो बाइक है उसको बाइक ट्रेन पार्सल करने वाले हैं, और जो हमारी बाइक है वो जाएगी भाई गाजियाबाद से बेंगलोर के लिए। तो मैं आपको अपनी बाइक दिखाता हूँ कि अपने पास कौन सी बाइक है और उसका जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको गाजियाबाद पहुँच के बताता हूँ। एंड भाई अपनी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। और भाई चलिए मैं आपको अपनी एक बार बाइक दिखा देता हूँ। तो भाई ये अपनी बाइक डोमिनार 400, एंड आज हम इसको ले जाने वाले हैं भाई पार्सल के लिए गाजियाबाद। तो मैं अपनी बाइक भैया बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। एंड ये अपना कुछ ऐसे लुक है भैया बाइक का, बाकी इसका क्या क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है वो सब मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए भाई गाजियाबाद चलते हैं और आपसे मिलते हैं वहाँ पे। एंड ये अपनी जिक्सी खड़ी है भाई साइड में, जिसको आप जानते ही हैं। एंड ये जो बाइक है ये अपने खास भाई हैं, उनकी बाइक है जिसको हम पार्सल करने वाले हैं। एंड भाई ये चल रहा है यहाँ पे योगी जी का बिल्डोजर। तो भाई जो योगी जी का भैया राज चल रहा है उसमें काफ़ी बेहतरीन काम चल रहा है यूपी में, और जितना भी लोगों ने जो कब्जा वगैरह कर रखा है रोड पे हो या इधर उधर, वो सब अपने योगी जी हैं, वो हटवा रहे हैं हर जगह से। तो भाई ये अपनी योगी जी का प्यार, बाकी अब बाप से मिलते हैं आगे गाजियाबाद पहुँच के। सो भाई हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर, एंड जस्ट उससे थोड़ी सी पहले ही हम अभी। एंड यहां से जस्ट क्रॉस करके ही भाई अपना ये गाजियाबाद स्टेशन की पार्किंग है राइट साइड पे जो आपको दिखाई दे रही है। तो भाई ये है अपना गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन। एंड अभी मैं जस्ट पता कर लेता हूँ एक बार पहुँच के कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की, और भी जो जो अपडेट है वो मैं अभी आपको बता दूंगा आगे। एंड बाकी ये अपने पुल के तो भाई साथ में हमारे, तो चलिए अंदर चलते हैं। अपडेट ये है कि मैं आ चुका हूँ भाई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पार्सल जो गोदाम है वहाँ पे। एंड जो हम गाजियाबाद गए थे वहाँ से अपनी बाइक पार्सल नहीं हो पाई, क्योंकि गाजियाबाद में बाइक पार्सल की सेवा ही नहीं है। एंड दादरी भी मैंने ट्राई किया था, जो यूपी वाली दादरी है वहाँ से भी बाइक पार्सल नहीं होती है। एंड उसके बाद मैं गया था आनंद विहार, तो आनंद विहार से भी बाइक अपनी पार्सल नहीं हुई, क्योंकि बेंगलोर की वहाँ से ट्रेन तो चलती है लेकिन उन्होंने वहाँ से पार्सल के मना कर दिया। देन मैं अब आया हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, एंड यहाँ पे जो अपनी टिकट थी वो भी मैंने बुक करवा ली थी अपनी, तो अपने पास कंफर्म टिकट है। तो अपनी बाइक को भाई हम पहले पैकिंग करवा लेते हैं, देन हम बात करते हैं कि पैकिंग के बाद इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एंड इसका अपना कितना फेयर वगैरह लगा है उसकी हम आगे बात करेंगे इसमें। तो भाई पैकिंग का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि अब की जो बाइक है उसका जो पेट्रोल है वो पूरा खाली किया जाता है, जैसे कि अपनी बाइक का हो रहा है। एंड पूरा पेट्रोल निकलने के बाद ही अपनी जो बाइक की पैकिंग है वो स्टार्ट होगी। तो चलिए पहले अपना पेट्रोल निकाल लेते हैं, देन मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि जो अपनी बाइक का पैकिंग प्रोसेस है वो क्या है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है।
भाई हम अभी हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो अपना पार्किंग का जो काम है वहाँ पे, और अपने साथ ही बड़े भाई हैं। बड़े भाई आपका नाम क्या है? अल्तामस नाम है बड़े भैया का। और हमने जो अपनी डोमनार है, जो अपने आप भी पैकिंग देखी है, वो बड़े भाई ने हमारी की है बाइक की। तो बड़े भाई आप ये बताओ, जो हमारी बाइक जा रही है बेंगलोर जा रही है, तो उसमें हमारे क्या क्या कागज लगने वाले हैं? एक आरसी, एक आईडी, एक टिकट। ये रेलवे बाई चांस किसी के पास टिकट नहीं होता तो अपना प्राइवेट लीज होता टेंडर। अच्छा, ये उसमें विदाउट टिकट चले जाते। उसका रीजन क्या है, यहाँ से हम लोग के लड़के लोड करते हैं और बेंगलोर में हम लोग के लड़के अनलोडिंग करके। अच्छा, बिल मिलता है अपनी कार्गो स्पीड होगा। स्पीड कार्गो का आपका काम है, तो यहाँ से आप लीज से भी भेज सकते हो अगर आपका गवर्नमेंट के उससे नहीं होता है, जैसे आप रेलवे से करते हो तो उसमें ना बहुत तरह के लफड़े होते हैं। तो ये अपने बड़े भाई हैं, आप यहाँ पे आओ, इनसे मिलो। जब यहाँ पे आप पार्सल के लिए आओगे ना, तो ये आपको रोड दिख रहा होगा सामने से, यहाँ से आओगे तो ये पेड़ का यहाँ पे आप वो कर लो। और ये वाला काम है ऑफिसर भाई का, यहाँ पे इमरान नाम से, इमरान नाम से यहाँ पे काम है भैया का। तो आप यहाँ पे आके भैया मिलेंगे आपको, यहाँ पे आप पूछो। और आपकी जो बाइक है ना, एक तो आपको लगा लो 4-5 घंटे लगते हैं भेजने में, यहाँ पे भैया हैंड टू हैंड करवा देते हैं काम को सारे को। और आपका बड़े भाई खर्चा कितना होगा हमारे इसमें? सीसी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपकी 400 सीसी है तो उसका 350 kg का फेयर लगता है, अगर 200 सीसी से नीचे तो तुम्हारा उसका 250 kg का फेयर लगता है। अच्छा, तो मतलब 400 सीसी के तो हमारे कितने 350 kg का लगता है। 200 सीसी से अंदर नीचे होता है उसका तुम्हारा 250 का वेट। तो जो 200 सीसी 350 से नीचे है उसका 200 केजी का जो फेयर है वो लगता है। तो भाई ये तो फेयर का था, बाकी भैया आपका नंबर क्या है? भैया आप सबसे पहले तो आप मुझे नंबर बता दो। 9899 31 0520 0520। तो ये नंबर है भैया, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगा लिखा हुआ, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। एंड आपको किसी भी तरह की कोई भी पार्सल कराना है, आप भैया से आके कराओ, और माल हो कुछ भी एनीथिंग, आप यहाँ से पार्सल करवा सकते हो आप ऑल ऑफ इंडिया के लिए। तो आप आओ भैया यहाँ पे काम कराओ, और आप आके अगर हमारे चैनल का नाम बताओगे तो भैया आपको उस पर डिस्काउंट भी दे देंगे। क्यों बड़े भाई, बिल्कुल हो गया ना? चलो ठीक है, तो भैया चलो अब आपसे मिलते हैं आगे।